अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये है दावत व्लॉग। पाकिस्तान से जो है वो आयशा बाजी की नंद आ रही हैं और उनके बच्चे आ रहे हैं। तो आयशा बाजी और उनकी फैमिली मनाहिल, ईमान, उमर उनको एयरपोर्ट पे जो है वो रिसीव करने के लिए गए हैं। तो ये वीडियो जो है वो मनाहिल ने अपने फूफो के लिए बनाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी जो है वो ये क्यूट से मोमेंट्स शेयर करूँ। तो इस व्लॉग में जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान से जो है वो सऊदियाँ आई हैं, रियाद आई हैं और उमरा भी करेंगी, कुछ दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगी, रहेंगी, घूमें फिरेंगी। और जी, आयशा बाजी ने भी उनके वेलकम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो तैयारियाँ की हुई थी और हम लोगों ने भी दावत के लिए उन्हें जो है वो इनवाइट किया हुआ है। तो चलें जी, आगे चल के देखते हैं कि दावत में क्या क्या हुआ। और जी, आयशा बाजी की नंद आलिया बाजी और उनके बच्चे जो है वो फ़र्स्ट टाइम हमारे घर पे आ रहे थे। तो हमने जो है वो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं और ये बास्केट रेडी कर रहे हैं जिसमें हमने प्रिंगल्स, बिस्किट्स और जो है वो जूसेस वगैरह, ये सारी चीज़ों की एक बास्केट जो है वो रेडी कर रहे हैं। और जी, ये सारा सामान जो है वो अम्मी, समी भाई, सैर भाभी एक दिन पहले जो है वो लेके आ गए थे। अब बस ये सारी चीज़ें जो है वो सेट कर रहे हैं। और जी, उनकी बेटी के लिए जो है ये क्यूट सी डॉल ली है हनीन के लिए, और इसके अलावा उनका जो बेटा है शुरैम, उसके लिए ये कार ली है, सेम एज इट इज़ कार जो है वह अम्मी ने उमर के लिए भी ली है। और इसके साथ ये जो है ड्रेस है, ये जो है वालिया बाजी के लिए लिया है और साथ में है एक क्यूट सी बास्केट। तो जी, ये जो है वह अम्मी ने गोला कबाब रेडी किए हैं और अभी बस ये फ्राई हो रहे हैं, साथ में बिरयानी भी जो है वो ऑलमोस्ट दम आ चुकी है। तो खाने पीने की जो सारी तैयारी है वो साथ साथ चल रही है। और जी, टेबल वगैरह जो है वो सेट हो चुकी है, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, सैलड, रायता, एवरीथिंग इज़ डन। यहाँ पे जो है वो ये वेजिटेबल्स कट हुई हुई हैं, ये जो है वो बेसिकली सब फ्राई होंगी, इनमें थोड़ा बहुत मसाला डलेगा और गोला कबाब के साथ जो है ये फ्राई होंगी, तो उसका इन वेजिटेबल्स का जो भी टेस्ट होता है वो कबाब में आ जाता है, तो वो और भी ज़्यादा जो है वो टेस्टी हो जाते हैं। और जी, गेस्ट के आने में थोड़ी ही देर है, तो अचारी कीमा भी रेडी है, इसके अलावा जो है वो कढ़ाई भी बिल्कुल डन है, मटन की कढ़ाई है और इसी के साथ ही जो है वो मीठे में जो है वो अम्मी ने कस्टर्ड रेडी कर दिया है और ये फ्रिज में रखा हुआ है। सुबह ही उठ के अम्मी ने जो है वो कस्टर्ड रेडी कर दिया था और ये फ्रिज में रखा हुआ है। बाकी बिरयानी भी जो है वो दम पे है, रेडी हो चुकी है। यहाँ पे जो है अम्मी ने चिकन के गोला कबाब बनाए हैं और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से सौते करके इसके अंदर सारी गोला कबाब इसके अंदर डाल देंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसकी रेसिपी भी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, टेबल वग़ैरह भी सब सेट है, हर चीज़ रेडी हो चुकी है। और जी, गेस्ट जो है वो हमारे आ गए थे और खाना भी लग गया है, सब कुछ बड़े मज़ेदार बना था, बहुत अच्छा बना था। कबाब की रेसिपी भी हम आप लोगों से जल्द शेयर करेंगे और इसके अलावा जो है वो कढ़ाई, कीमा, बिरयानी, कस्टर्ड, कबाब, सब कुछ बड़े मज़ेदार बना था, हमारे सारे मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जी, अब जो है अम्मी गिफ्ट्स दे रही हैं बच्चों को,
शुरैम को गिफ्ट दिया, और ये हनीन है, हनीन के लिए डॉली थी तो उसको भी गिफ्ट दिया। बाकी सेम जो शुरैम के लिए लिया था वही अम्मी ने उमर के लिए भी लिया था, और ये अम्मी ने उमर को भी जो है वो कार दी है। इसके अलावा जो है वो आलिया बाजी को एक बास्केट भी दी थी जिसके अंदर सारी चीज़ें थी खाने पीने की। बाकी इसके अलावा इनको जो है वो एक ड्रेस भी गिफ्ट किया था। तो जी सारे मेहमानों को हमारे गिफ्ट्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत पसंद आई, खाना भी अच्छा रहा, दावत माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। तो जी इस व्लॉग को जो है वो अब हम यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी दावत व्लॉग जो है वो पसंद आई होगी। हमारी सारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।